नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम पूछें अपना सवाल। मैं हूं स्मिता सिंह। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मंच खास आपके लिए है, जहां आप अपने डेयरी, पोल्ट्री, पशुपालन और खेती से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हम आपको विशेषज्ञों के माध्यम से देते हैं। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आपको भी धन्यवाद जी। तो दोस्तों, अगर आपका भी है कोई सवाल तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल, क्योंकि ये मंच खास आपके लिए है, जहां आप अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। चलिए फोन लगाते हैं अपने पहले कॉलर को। हमारे साथ अतुल हैं, आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। नमस्ते अतुल, बात कर रहे हैं हिमाचल से। हाँ जी मैडम, हाँ जी, हाँ जी। जी अतुल, ग्रीन टीवी से स्मिता बोल रही हूँ, पूछे अपना सवाल में आप जुड़े हुए हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैंगो का बगीचा है मेरे पास, 200 पेड़ है मैंगो के, 30 और 32 साल के। जी मैं चाह रहा हूँ कि उनकी खाद के बारे में मुझे डिटेल में बताया जाए, एक साल में कितनी खाद डालें और कितनी मात्रा में डालें। जी तो देखिए, 32 साल के जो पेड़ हैं, इसमें खाद डालने के लिए तो जो आपने सिंचाई की नाली बनाई होगी, उसके बाद थावले भी बनाए होंगे बड़े बड़े। हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा, तो आपको 20 किलो तो आपको गोबर की खाद लेनी है। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद आप, मतलब मैं आपको एक पेड़ के बारे में बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। 20 किलो आपने गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद सड़ी हुई ले ली। हाँ जी। उसके बाद आपने जो है 50 ग्राम नाइट्रोजन, हाँ, 200 ग्राम फास्फेट। हाँ देखिए, जैसे मैंने 100 ग्राम बताया है तो इसको 6.25 से गुणा करेंगे तो फिर आ जाएगा मात्रा सिंगल सुपर फास्फेट की। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से म्यूरेट ऑफ पोटास आप लेंगे तो उसमें जो है आपको 60% होता है। ठीक है जी। हाँ, लेकिन मैं आपको पोटास बता रहा हूँ, 100 ग्राम पोटास आपको लेनी है। 100 ग्राम पोटास होगी जी। हाँ, और उसमें आप जिंक सल्फेट भी डालें, 25 ग्राम जिंक सल्फेट भी डालें। 25 ग्राम जिंक सल्फेट। हाँ, अब इन सब चीजों को आप अच्छी तरीके से थावले में मिलाएं और सिंचाई करें। ठीक है सर, ठीक है जी। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपना सवाल हमारे कार्यक्रम में रखने के लिए। और चलिए फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को। प्रवीण है छत्तीसगढ़ से, आइए जानते हैं प्रवीण का क्या सवाल है। पूछे अपना सवाल, कार्यक्रम के लिए आपका सवाल आया था। हाँ जी, हाँ जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप कार्यक्रम में सीधे जुड़े हुए हैं। जैविक कल्चर से जो बीजों को तैयार करते हैं जी, मैं अपन कई मैं फसलों को दिखाऊँ, जैसे कार्बन डाइजियम और सारम से भी करते हैं, तो ट्राइकोडर्मा से करता हूँ जी, और उसके बाद मैं राइजोबियम कल्चर और पीएचडी कल्चर करता हूँ, तो उसके बाद भी मेरे या सारम से करना जरूरी है उसके बाद भी। ट्राइकोडर्मा जो है, हाँ जी, वो भूमि उपचार के लिए होता है। अच्छा, जो फंगस या वायरस, हाँ जी, फफूंदी वाले रोग और जो विषाणु रोग होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम पहले भूम का कंट्रोल करते हैं, भूम उपचार करते हैं, उसके लिए तो ट्राइकोडर्मा है। थीरम, कैप्टान, बावस्टीन, कार्बेंडाजिम, ये हमारा बीज उपचार के लिए हैं। बीज के भ्रूण में भी जो है वो फफूंदी रहती है, और वो बाद में जैसे ही अंकुरण शुरू होता है वैसे ये डेवलप हो जाती है। तो ये दोनों चीजें जो हैं, ये आपका उसी समय तैयार होनी चाहिए, फसल के बाद जो है इनकी आवश्यकता नहीं है। ट्राइकोडर्मा से कर चुके हैं, उसके बाद राइजोबियम करता हूँ। देखिए, अभी थायरम और उसके करना जरूरी क्या? देखिए, राइजोबियम जो है वो विशेषकर दलहनी फसलों के लिए है, मैं बता दूं आपको। हाँ, मैं पर्टिकुलर दलहनी फसलों की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा है कि इससे कोई नुकसान नहीं है, पहले आप जो है वो ट्राइकोडर्मा से आप उपचारित कर लीजिए। हाँ, हाँ। उसके बाद फिर आप जो है राइजोबियम का इस्तेमाल करें। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। और राइजोबियम का इस्तेमाल करने के लिए गुड़ का आप जो है थोड़ा सोल्यूशन बना करके, घोल बना करके, शरबत गाढ़ा गाढ़ा, हाँ, उसमें राइजोबियम आप का पैकेट डाल दीजिए। मैं ट्राइकोडर्मा से प्रति 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से मैं उपचारित किया था। देखिए, ज्यादा किया आपने, 4 ग्राम जो है वो आपका जो है वो 10 किलो के लिए काफी हो जाता है। अच्छा, मतलब यदि मैं ट्राइकोडर्मा से कर रहा हूँ तो बहुत, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में आराम से फिर से करूँ करके। देखिए, जब ट्राइकोडर्मा से कर लिया आपने तो अब कोई जरूरत नहीं है आपको थीरम, मतलब ये आप समझ लीजिए, ट्राइकोडर्मा, थीरम, कैप्टान, बावस्टीन, कार्बेंडाजिम, इनमें से कोई से भी आप एक से करेंगे। हाँ
बस 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 मैं वही चाह रहा था, शुक्ला जी से और पूछना था मुझे जी। ऊंचा अरहर 16 करके नया आया जी, मैं भी उसमें देख रहा था। हाँ बिल्कुल, आप सही देख रहे हैं। हाँ तो वो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहूंगा सर। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको पहले हमारा जो परंपरागत खेती होती थी उसमें साल भर में अरहर होती थी। हाँ। अब 6 महीने में अरहर हो जाती है। अच्छा। अंतर केवल इतना है कि वो हम बरसात होने के बाद बोते थे और गेहूं के साथ काटते थे। हाँ। अब इसको हम बरसात होने से 1 महीना पहले ही बो देते हैं। अच्छा। हाँ अच्छी, जिसके पास सिंचाई के साधन है हाँ, वो खेत की तैयारी करके बो देते हैं। हाँ जून में ही बो सकता, नहीं जून में ही बोना चाहिए, जून में ही उसको बोना चाहिए और उसके बाद वो आपका गेहूं उसमें बहुत अच्छा गेहूं हो जाता है काटने के बाद। प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपना सवाल हमारे कार्यक्रम में रखने के लिए। और चलिए अब अपने अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। असम से दिनेश जी हैं जिन्होंने सवाल भेजा है कि इनको बकरी पालन की पूरी जानकारी चाहिए। सर बकरी पालन की जानकारी ये चाहते हैं, असम से दिनेश हैं। देखिए बकरी पालन के लिए सबसे पहले तो प्रजाति है हमारी, और वो प्रजाति है जमुनापारी, बरवरी और सिरोही। ये तो इन तीनों में से जो अच्छी आपको लगे वो आप वैरायटी या तीनों वैरायटी आप दे सकते हैं। दूसरे ये है कि इसका जो बाड़ा बनाया जाता है वो बहुत खुला हुआ हवादार होना चाहिए और अच्छे स्पेस में होना चाहिए। और तीसरे बकरियों को चराने के लिए चरागाह की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। बरसात के दिनों में इनमें जो है अफराग बीमारी हो जाती है, उसके लिए वेटनरी डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दिनेश जी कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल कार्यक्रम में यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से लौटेंगे तो लेंगे आपके कुछ और सवाल। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। डेयरी फार्म खोलने के लिए उन्नत नस्ल की कौन सी गाय है जिसको डेयरी फार्म में लिए यूज कर सकते हैं ताकि दूध का अधिक उत्पादन हो? साहिवाल, सिंधी, थारपारकर, गिरिजात और जर्सी, जो विदेश की गाय है जर्सी, ये आप पालें। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका पूछें अपना सवाल में, जिसमें आप अपने डेयरी, पोल्ट्री, पशुपालन और खेती बाड़ी से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें लिख भेजिए फेसबुक, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए। सवाल के साथ अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखना ना भूलें। और चलिए फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को। संजय हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं इनका क्या सवाल है। संजय ग्रीन टीवी से बोल रहे हैं, पूछे अपना सवाल कार्यक्रम के लिए आपका सवाल आया था। जी मैम, मेरे को जानकारी चाहिए था कि डेयरी फार्म खोलने के लिए उन्नत नस्ल की कौन सी गाय है जिसको डेयरी फार्म में लिए यूज कर सकते हैं ताकि दूध का अधिक उत्पादन हो जी, और उससे संबंधित कौन सा चारा खिलाएं जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। मैम सबसे पहले जब प्रजाति की बात आती है जी सर, तो साहिवाल, सिंधी, थारपारकर, गिरिजात और जर्सी, जो विदेश की गाय है जर्सी, ये आप पालें। जर्सी जर्सी दूध जरूर ज्यादा देती है लेकिन इसका दूध जो है पतला होता है, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है जी सर। अच्छा अब बात आती है कि हम इसे क्या खिलाएं। देखिए जो हमारा सूखा चारा होता है जी, वो उसमें 3 हिस्सा सूखा चारा और 1 हिस्सा अगर बरसीम इस समय जो मिलती है तो मिला सकते हैं जी सर, और उसको मिला करके देंगे। जो दूध वाली गाय हैं जो दूध दे रही हैं, 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो दाना अलग से उनको देना आवश्यक है। मतलब 2.5 किलो पे 1 किलो दाना? 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना उनको देना आवश्यक है जी सर। सर जैसे दाना की जगह अपन हरा चारा खिलाते हैं, देखिए क्या, देखिए मैं बता दूं आपको, जैसे बरसीम है आपका, बरसीम बहुत ही पौष्टिक चारा होता है, तो ये चारा जो है आप जो दे रहे हैं, तो अगर आपका कहना यही है कि हम प्योर हरा चारा खिलाएं जी। प्योर हरा चारा कभी भी किसी जानवर को नहीं खिलाना चाहिए जी। जरूर उसमें ड्राई मैटर जरूर जोड़ दे, उसमें थोड़ा बहुत मिलाना जरूरी आवश्यक है, और ये होता है उसके पालन पोषण के लिए। लेकिन जो गाय दूध दे रही है उसके लिए अतिरिक्त जो है वो 2.5 किलो जो है दूध पर 1 किलो दाना उसका अलग से दिया जाना आवश्यक है जी सर।
सर मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अपना साहिवाल, थारपारकर, गिर बोल रहे हैं जी, सर इसमें दूध की मात्रा कम रहती है एचएफ से, तो सर मैं वही सजेशन लेना चाहता था कि डेयरी के लिए एचएफ क्या बेस्ट रहेगा सर? जो देसी गायें हैं हमारी और विदेशी गायें हैं जी सर, उनमें केवल दूध का ही अंतर है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं जी सर कि इजिप्शियन गाय और जर्सी गाय जो हैं जी सर, अगर इनको हम साहिवाल सांड से क्रॉस करा देंगे जी सर, तो उसके बाद जो हमें प्रजाति मिलेगी जी सर, वो दूध भी ज्यादा देगी और दूध गाढ़ा भी होगा। मतलब सर एचएफ को मैं साहिवाल से क्रॉस करवाने से जी। संजय बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपना सवाल इस कार्यक्रम में रखने के लिए। सर आपने अभी बोला कि सीधा मतलब खाली चारा नहीं खिलाना चाहिए, हरा चारा खाली, वो मतलब क्यों नहीं खिलाना चाहिए सीधा खाली चारा? देखिए ऐसा है, हरा चारा ज़्यादा देने से फिर जो है उसको दस्त आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, गोबर उसका पतला हो सीधा जाएगा। हरा चारा नहीं खिलाना और चाहिए। आप ये जानते हैं कि चाहे वो जानवर हो और चाहे मनुष्य हो, जब उसको दस्त आना शुरू हो जाते हैं तो आप देखिए उसमें वीकनेस शुरू हो जाती है। तो उसमें क्वांटिटी आधी आधी रखनी चाहिए, दाना आधा? ऐसा है, अगर बरसीम है तो एक हिस्सा बरसीम, तीन हिस्सा ड्राई मैटर। अच्छा, और अगर जैसे चरी है, बाजरा है, रिजका है, तो उसमें क्या करते हैं तीन और दो का अनुपात लेते हैं जी। और चलिए फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, फरीदाबाद से सुनील है हमारे साथ, जानते हैं क्या सवाल है सुनील का। सुनील पूछे अपना सवाल, कार्यक्रम में आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप कार्यक्रम में सीधे जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल था रजनीगंधे के बारे में, रजनीगंधा जो है हम इसे अप्रैल के लास्ट में बोते हैं और ये जून में चलता है इसकी पेड़ी जी, जब ये दूसरी साल हो जाती है, जब उस दूसरी साल के बारे में पूछ रहा हूँ, हमें बोआ पड़ा फिलहाल, एक साल होगी इसे दूसरी साल चलने वाली है अप्रैल से जी, ये मई में कैसे चले? देखिए ये तीन साल तक इसकी हम क्रॉप लेते हैं। हाँ जी, अब पहली साल लेने के बाद दूसरी साल में हम क्या करते हैं कि जो रजनीगंधा खड़ा हुआ है हाँ जी, उसके लाइन से लाइन की दूरी और जो आपने बोया है तो हाँ एक एक पौधे की लाइन से दूसरे पौधे की लाइन में बीच में आप स्पेस छोड़ते हैं, जगह छोड़ते हैं हाँ जी, तो उसमें आप जो है गोबर की खाद, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश मिला करके आप डालेंगे इसको और सिंचाई करेंगे तो उससे बहुत जल्दी जो है ये डेवलप हो जाएगा। ऊपर से डाल दें पोटाश वगैरह? हाँ, देखिए ऐसा है कि आपने उसको लाइन में डाला और लाइन में डालने के बाद उसकी अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दी ताकि वो मिट्टी में मिल जाए, उसके बाद सिंचाई करें जी। सुनील कोई और सवाल है आपका? मेरे को खीरे लगानी, खीरे में क्या क्या करना? खीरा में सबसे बड़ी बात यह है कि यह फरवरी आ रही है, इसमें खीरा लगेगा हाँ जी। तो खीरा के लिए भूमि की तैयारी करते हैं तो पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जोत करके अच्छी तरीके से ये देख लेते हैं खेत में नमी है कि नहीं, उसके बाद 250 से लेकर 300 क्विंटल पर हेक्टर इसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट की डाल डाल देते हैं और इसमें 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फेट, 40 किलो पोटाश, जिसमें से 60 किलो नाइट्रोजन को बचा के रख लेते हैं, बाकी अंतिम जुताई पर डाल देते हैं और उसके बाद फिर 100 लाइन से लाइन की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर पर खीरा लगा देते हैं। जब खीरा 20 दिन का पौधा हो जाता है तब एक टॉप ड्रेसिंग करेंगे, टॉप ड्रेसिंग के तुरंत बाद सिंचाई कर देंगे, खरपतवार हो तो उनको खरपतवारों को निकाल देंगे और उसके बाद 45 दिन पर फिर दूसरा जो बचा हुआ है उसको नाइट्रोजन को हम डाल देंगे, तो इस तरीके से आप खीरे की खेती कर सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना सवाल हमारे कार्यक्रम में रखने के लिए। और फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो लेंगे आप ही के कुछ और सवाल, बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। अपने गेहूं के अंदर खरपतवार है उसके लिए दवाई चाहिए क्या लगानी है, कैसे है? काफी मतलब 45 दिन का हो गया गेहूं, 45-50 दिन का जी। 240 सोडियम साल्ट, 625 ग्राम, 625 ग्राम और आइसोप्रोटान 50% वाला 1.25 किलो हाँ जी, इन दोनों को आप 1000 लीटर पानी में घोलिए हाँ जी और 1 हेक्टर में इसका छिड़काव कर दीजिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका ग्रीन टीवी के कार्यक्रम पूछें अपना सवाल में, जिसमें आप रखते हैं अपने सवाल और हम आपके सवालों के जवाब देते हैं विशेषज्ञों के माध्यम से। और चलिए फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को। हमारे साथ मूलाराम जी हैं राजस्थान से, जानते हैं क्या है इनका सवाल। जी मूलाराम जी बात कर रहे हैं? हाँ जी मूलाराम जी, ग्रीन टीवी से बोल रहे हैं, पूछे अपना सवाल कार्यक्रम में आपका सवाल आया था। अपने गेहूं के अंदर खरपतवार है, उसके लिए दवाई चाहिए, क्या लगानी है, कैसे है? काफी मतलब 45 दिन का हो गया गेहूं, 45-50 दिन का। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि दिन ज्यादा हो गए वैसे, हाँ इसीलिए तो मैं पूछ रहा था, बाकी हमारे 30-35 दिन में तो हम करते हैं इधर कोई। अब देखिए ऐसा है कि आप चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले, जैसे आपका गेहूं को मामा गुल्ली डंडा जिसे कहते हैं, ये सकरी पत्ती वाला आता है, हिरनखुरी सकरी पत्ती में आता है, और ये बथुआ गाजर और ये जो है ये चौड़ी पत्ती में आते हैं। तो अगर चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले दोनों ही अगर खरपतवार हैं, दोनों ही हैं सर, हाँ तो देखिए उनके लिए आपको अलग अलग दवा मैं बता रहा हूँ, दोनों दवाइयों को आप मिला करके एक बार में ही छिड़क सकते हैं। देखिए 2,4-D सोडियम साल्ट, हाँ जी 2,4-D सोडियम साल्ट 625 ग्राम, हाँ 625 ग्राम, और आइसोप्रोटान 50% वाला 1.25 किलो, हाँ जी, इन दोनों को आप 1000 लीटर पानी में घोलिए, हाँ जी, और 1 हेक्टर में इसका छिड़काव कर दीजिए। 1000 लीटर पानी 1 हेक्टर, मतलब अपने हमारे इधर मारवाड़ी में बीघा बोलते हैं, कितना बीघा हो गया? 25 बीघा होता है 1 हेक्टर जी, हमारे मतलब 25 बीघा नहीं, करीबन अपने 10 बीघा है, 10-11 बीघा। मैं बता दूं आपको कि 1 एकड़ में 5 बीघा होते हैं, हाँ जी, और उसके बाद 2.5 एकड़ का 1 हेक्टर होता है, हाँ जी, इस तरीके से समझ लीजिए आप। मूलाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपना सवाल इस कार्यक्रम में रखने के लिए। और चलिए फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को। मनीष है हमारे साथ, जानते हैं मनीष जी का क्या सवाल है। मनीष जी ग्रीन टीवी से बात कर रहे हैं, पूछे अपना सवाल कार्यक्रम के लिए आपका सवाल आया था। जानकारी ये चाहिए थी मैडम, हमारे को फार्म हाउस खोलना था अंडे का जी, जो मतलब मुर्गी वहां से उपलब्ध होगी मुर्गी पालन के लिए, जो पुरानी प्रजातियां हैं लेघान मुनारका और रोड जिसे कहते हैं, उसके बाद IVRI आजाद नगर बरेली ने 4 और अच्छी वैरायटीज निकाली हैं, जो आपका है एक तो है श्यामा, एक है निर्भीक और एक है उपकारी और एक है हितकारी, ये चारों जो हैं वजन में भी अच्छी होती हैं और अंडा भी ज्यादा देती। जी मनीष जी कोई और सवाल है आपका? नहीं बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपना सवाल इस मंच पर रखने के लिए। और चलिए फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को। जगदीश सैनी है हमारे साथ उत्तराखंड से, जानते हैं क्या है इनका सवाल। जगदीश जी ग्रीन टीवी से बोल रहे हैं, पूछे अपना सवाल कार्यक्रम में आपका सवाल आया था। जी उसके ये प्रोग्राम दिखाया था हमने 7 तारीख में ना, वो एक जो गोभी की तरह फूल सा था शाम को 7 बजे जी, तो हाँ उसके उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। देखिए जो ये बंद गोभी कुल का फूल है और इसको हम केली फ्लावर कहते हैं और इसको फ्लावरिंग केल भी कहते हैं, जापान में इसकी सब्जी खाई जाती है और हमारे यहाँ ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इसको तैयार करते हैं। टाइम क्या सर बोने का इसका? देखिए बिल्कुल सेम टाइम जो फूलगोभी का टाइम है हमारा, फरवरी मार्च में हमारा जो है रोपाई हो जाती है, ज़्यादा धूप पड़ने पर यानी जब मई जून का ये पीरियड आता है तब भी ये नहीं हो पाता है, ज़्यादा ठंडक में भी ये नहीं हो पाता है, तो इसको 2 पीरियड में लेते हैं, एक तो जुलाई अगस्त में लेते हैं हम, और दूसरा जनवरी में इसकी हम बेड़ डाल देते हैं नर्सरी, और फरवरी के फर्स्ट वीक में इसकी जो है हम रुपाई कर देते हैं। अच्छा सर एक चीज जानना चाहूँगा, इसके मार्केट किसके कहाँ पर है सर दिल्ली में? देखिए मार्केट जो दिल्ली में आपका जो है आजाद मंडी है, आजाद मंडी से संपर्क कर सकते हैं आप। जी मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए।
तो दर्शकों, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपना सवाल हम तक व्हाट्सएप, ईमेल या फिर फेसबुक के जरिए भेज सकते हैं। सवाल के साथ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए समय निकालकर। आपको भी धन्यवाद जी। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे आप ही के कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते।